आप देख के पता चल गया होगा कि कितना धमाल होने वाला है यहाँ पर, और इनकी खास एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मिर्जापुर जो है वो Amazon प्राइम पे ऑलरेडी स्ट्रीमिंग उसकी शुरू हो चुकी है। 9 एपिसोड्स का सीरीज है और आप हमें क्यों देख रहे हैं, आप जाके सीरीज देखिए। बिल्कुल। और ये और दिल फेंकी है ऐसे जो आए थे साइड में। फुर 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 फुर। किस तरह का आप लोगों का एक्सपीरियंस था? हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, और सबसे अच्छी बात है कि इतने यूनिक कैरेक्टर्स हैं हम लोगों के, जिनको प्ले करने में बहुत मजा आया। क्योंकि कैरेक्टर्स तो होते ही हैं, लेकिन मिर्जापुर के बारे में बढ़िया बात यह है क्योंकि 9 एपिसोड्स हैं, तो हर कैरेक्टर को बड़ा अलग अलग तरीके से भी एक्सप्लोर किया गया है। तो एक कैरेक्टर जो जैसा दिखता है वो सिर्फ वैसा है नहीं। और जो इसकी कास्टिंग भी की है मेकर्स ने, उन्होंने बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कास्टिंग की है। जैसे दिव्येंदु को भी ऐसा रोल मिला है जो उसने पहले कभी नहीं किया, मुझे भी ऐसा रोल ऐसे रोल में कास्ट किया जिसने जो अभी तक मैंने प्ले नहीं किया। तो एक्टर्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी हो जाती है अगर आपको एक वैरायटी मिल जाए रोल्स में। और मिर्जापुर की मुझे ये बात अच्छी लगी थी जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी कि डायलॉग मुझे बहुत ह्यूमरस और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। वेरी वेरी नाइसली रिटन डायलॉग। अब अच्छी बात वही है क्योंकि फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने आप को, और ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें आई थिंक बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए शायद एक मिर्जापुर जैसा प्रोजेक्ट बनता है जहाँ पे मुझे एक बिल्कुल डार्क कैरेक्टर मिलता है, रसिका को एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो कि शायद अगर हम लोग एक फिल्म के खांचे में होते तो शायद थोड़ा सा एप्रिहेंसिव होते लोग उस चीज को करने के लिए, और वही मजा शायद ऑडियंस डिराइव करती है उस चीज से कि अरे यार इस शख्स को तो ऐसा कभी करते हुए नहीं देखा। हाँ। ये कहानियां हमने देखी नहीं, क्योंकि आपको अगेन बॉक्स ऑफिस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक इंटरनेशनल कॉन्टेंट देख के ना ऑडियंसिस का दिमाग बहुत खुल चुका है, दे आर वेरी एक्सेप्टिंग। एंड आई थिंक बात वही है कि इतना यूनिक कॉन्टेंट है ना कि आपको मजा आता है वो चीजें देखने और इतना सारा कंटेंट है, मतलब देयर कैन नेवर बी अ डर्थ ऑफ गुड थिंग्स टू वॉच। एंड प्लस आजकल आप बहुत सभी देख रहे हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। अगला पार्ट जो है उसका सुना तो है मेकर्स ने कहा है, बाकी आप लोगों के ऊपर है। जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा आवाज करेंगे उतना जल्दी आएगा, तो हमसे ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, अब जाते जाते थोड़ा डायलॉग्स भी हो जाए ना आपके, जो फेवरेट इस मिर्जापुर में जो भी रहा हो। अब मजबूरी में शादी की है तो जितना खुश है उतना है। वाह। मेरा है मुन्ना बोलता है कि बहुत दुख होता है जब आप योग्य हो और कोई आपकी योग्यता को ना समझे, बहुत दुख होता है। वाह।